गुरु जी भी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संग जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारियों बहुत ही वडभागी हो जो सतगुर साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच सत संगत दे रूप विच बैठ के गुरमंत्र नूं दृढ़ कर रहे हो। महाराज समझाउंदे जे वड भाग हो गए अत नीका गुरमंत्र नाम दृढ़ीजे। कहिंदे जे बहुत वड्डे भाग होण फिर साडा मन उस मालक दी कृपा सदका गुरमंत्र नूं दृढ़ करदा है। आए हाँ इथे आके असी माया नूं दृढ़ कर लिया जिस करके असी घर वापस नहीं गए। हुण जदों असी गुरमंत्र नूं दृढ़ करना शुरू करदे हाँ फिर साडा ये मन जिहड़ा जागदा है फिर ये लिव दे रस्ते ते चलदा है आपदे घर नूं वापस मुड़दा है। इस करके दो ही रस्ते ने एक लिव दा है एक तात दा है जिस नूं महाराज कहिंदे लिव तात दोए राहा है हुक्मी कार कमाए। इस तात दे रस्ते ते चलण करके असी आपदे पिता तो दूर हुंदे गए। हुण असी चले आ जिहड़ा लिव दा रस्ता साडे घर नूं जांदा है सतगुण इस नूं महाराज कहिंदे ने कि करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। हुण आपां ऐसी करमी करनी शुरू करती जिहड़ी सानूं साडे पिता दे नेड़े कर रही है। ये संत मार्ग है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए। हुण इस मार्ग ते आपां गुरमंत्र नूं दृढ़ करदिआं होइआं चलणा। लेकिन जिहड़े इत्थों दे लोक ने ये पंजे जणे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हां नूं इह हुंदा है वी जेकर ये जीव इस रस्ते ते चलदे रहे ते आपदे घर वापस चले जाणगे उत्थे सुख लैणगे फिर उत्थों दी कहानी आके इत्थे दसणगे होरां जीवां नूं इत्थों कढ़न दी कोशिश करनगे। ये जित जाणगे ते आपां नूं हार दा मूँह देखना पएगा। इस करके कोशिश करदे ने हर एक तरह का अड़िका लाउण दी कि मन इत्थे रुक जे जिवें आपां देखदे बच्चे जदों पढ़ते ने प्राइमरी तक काफ़ी होंदे ने हाई च घट जाते हैं सीनियर सैकेंडरी उदू घट जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी पी एच डी तक जाते जाते बहुत थोड़े रह जाते। इस तरह ये पंजे जने की करते ने जदों जीव संगत कर लगता है संगत एक स्कूल है जिसनू महाराज कहिंदे सत संगत सतगुर चटसाल है जित हर गुण सिखा। हुण महाराज सानू समझाउंदे कहिंदे पुत देखो ये जिहड़ा शरीर है ये संसार है साडा नहीं असीं इत्थों दे रहिण वाले नहीं। ये शरीर तां एक कमरा है एक कोठा है मास दा माता पिता दे संयोग द्वारा तैयार किया। सुबह साडा मन इहदे च आउंदा है शामां नूं चले जांदा है। एक खेल है इस नूं समझण दी लोड़ है। दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत। जेकर असीं इस खेल नूं समझ लांगे इस दे निजम सिख लांगे
सहज सुभाए ही असी इस खेल नूं जित जांगे। इस करके गुरु प्यारिओ जदों इह शरीर ही माया दा है, महाराज कहिंदे इह शरीर सब मूल है माया, ते होर तां फिर साडा इत्थे कुछ है ही नहीं। इस करके आपां इस गल नूं मन च वसाउणा। हुण महाराज कहिंदे वी संसार दा सिस्टम सारा इन्हां दे कोल आ, संसार दा पैसा, संसार दी शोहरत, जो भी सब कुछ, खंड पताल दीप सब लोहा, सब काले वस प्रभाव की है, सब काल दे वस है। ये तुहानू इस रस्ते तो रोकण वास्ते कुछ भी कर सकता है, तुहानू इत्थों दा राज भी दे सकता है, इत्थों दे पदार्थ वध तों वध दे सकता है, जो भी तुसी चाहो वो दे सकता है, भी ये रस्ता छड जा। इस करके आपां देखते हैं जदों कोई साड़ी इच्छा पूरी हो जाती है उस दात नाल असी जुड़ जाने ते परमात्मा नूं असी भुल जाने, मिली दात विसरिया दतार। असी ये गल कहिंदे रहिंदे हां वी परमात्मा ने कृपा कीती, सानूं बच्चा देता, सानू कर देता, सानू आ देता, सानू ओ देता, लेकिन उस परमात्मा नू असी देखते नहीं, ओदी आवाज सानू सुनती नहीं, इहदा मतलब सानू विसर गया। जे सानू नाम नहीं सुनदा ते महाराज कहिंदे भी तुसी नाम नू विसार दिता है ते इन्हां त्रै गुणां दे कर्मां च तुसी लग गए हो, कम्मां च तुसी लग गए हो, तुसी इस भुलेखे च पै गए हो भी असी मंदिर जाने, गुरु घर जाने, मस्जिद जाने, असी कर्म धर्म कर रहे हैं। महाराज कहिंदे वो किसे काम नहीं आउणा तुहाडा, उन दान जो बीज दे सब धर्म राय के जाई, धर्म राय कोले जाना पएगा, हिसाब होएगा, जे घाटा पिया ते मार पएगा। इस करके गुरमुख प्यारिओ हुण महाराज सानूं समझाउंदे ने वी इहदा जिहड़ा इत्थों दा हिसाब किताब है इह सारा त्रै गुणा च है, इह होर कर्म ने, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावे होर, नानक जमपुर बदे मारिए ज्यों सन्नी उपर चोर। कहिंदे जिवें सन लाउंदा चोर फड़िया जाए, जिहड़ा आउंदा पुछदा भी की करदा सी, आ वेखो जी ने सन लाया चोरी करदा सी, कुटन लग पैंदा। महाराज कहिंदे इस तरह फिर कुट पैंदी। इस करके हुण आपां आपदे आप नूं विचारना है जी सारे भैण भरावां ने, क्योंकि भाई साहब भाई सेवा सिंह जी तरमाला ने इस गल ते जोर दिता भी जेकर असी अपने आप नूं विचार लैने, अपने आप नूं पछाण लैने, साडे ते परमात्मा दे विच कोई फर्क नहीं रहेगा। नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अवनासी, क्योंकि असी जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है। जे असी आपे दी पहचान कर ली तो इस तरह का ही साडा पिता है, वह परमात्मा, वह भी जो स्वरूप है, प्रकाश रूप है, फिर साढ़े तो वेद कोई फर्क नहीं रहा। हर जन हर दो एक है, बेबिचार किश ना है। इस करके हुण गुरमुख प्यारे हो आप इन्हां पंजां दी चाल नूं समझना, जेकर आप समझ गए तो पास हो जाएंगे, नहीं तो समा अपना अपने हथों जा रहा है। इस तरह जा रहा है जिवें एक तिड़के हुए घड़े दे विचों बूंद बूंद करके पानी निकलता जाता है, तो एक दिन उसने खत्म हो जाना तो आप दे छड़ जानी। तो जे सिर्फ संसार तक आप सीमित रहे, इतों के किसी पदार्थ ने, किसी माँ बाप ने, किसी धी पुत ने,
किसी भैन भरा ने साडा साथ नहीं देना क्योंकि उत्थे किसी की पहुँच नहीं। जिसनू महाराज गुरबाणी भी समझाते ने जय मात पिता सुत मीत न भाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहे। कहिंदे जिथे कोई भी परिवार का मैंबर साडी मदद नहीं कर सकता उत्थे इस नाम ने करनी है, परमात्मा ने करनी। इस करके गुरमुख प्यारियो जय है भयान दूत जम दले तय केवल नाम संग तेरे चले। हुण आपां देखिए अपने आप नूं पहचानिए भी जे सानूं नाम नहीं सुणदा अमृत नहीं आउंदा ते असी नाम नूं विसार दिता है, बस सौखा जा साकता वै। महाराज की कहिंदे कहिंदे जिन हर 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 रस नाम ना पाया ते भाग ही जम पास। ते महाराज कहिंदे पुत जी इसे तरह ही चलदिया समा आ गया ते फिर जम खुआर करनगे। हुण नाम कित्थों मिल सकता है, हर रस कित्थों मिल सकता है। महाराज ने ये सत संगत बनाई साढ़े वास्ते, कहिंदे धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास। जदों असी सत संगत दे विच आउणे आ उत्थे सानू नाम की वडियाई सुनाई जाती है। सत संगत कैसी जाणीए जिथे एको नाम वखाणीए। सानू दस्या जांदा है भी असी राजे सी लेकिन असी हुक्म तो बाहर हो गए आपदे पिता दे, ते राजे तो बन गए असी भिखारी। देखो किन्नी तरक्की हुई कि राजे सी हुक्म नूं भुल गए आपदे पिता दे हुक्म तो बाहर जा वड़े ते असी बन गए भिखारी। ते अज असी राजे फिर बन सकते हैं, साडा राज सानू वापस मिल सकता है जेकर असी गुरु सतगुरु दे राही नाम नू प्राप्त कर लिए। हुण असी इस गल नू विचारना भी किड्डा वड्डा फायदा है, भिखारी तो राजे बन जाएंगे। महाराज कहिंदे राजा सगली सिष्ट का हर नाम मन भिन्ना। तो आह जिहड़ा सिस्टम इत्थों दा इह तां काल दे वस जदों मर्जी वापस ले लैंदा जदों मर्जी दे दिंदा खेलिया। दूसरा फिर महाराज कहिंदे ने भी जेकर तुसीं नाम प्राप्त कर लिया तुहाडी सारी चिंता तुहाडी सारी तृष्णा सब दूर हो जाएगी। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइयां कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब भजन। देखो किन्नी वड्याई है नाम दी। इस करके गुरु प्यारियो साडा जिहड़ा मन है ये गुणों के आधार पर फैसला लैंदा है। महाराज कहिंदे ने भी तुहाडा लोक भी सुखी हो जाएगा परलोक भी सुखी हो जाएगा। तुहाडे देश तो सुख है ही, उत्थे दुख है ही नहीं। इस देश दे विच जिन्ना चिर तुसी रहोगे जेकर नाम नाल जुड़े रहोगे या अगर मंत्र जपदे रहोगे इत्थों दे लोग तुहानूं तंग नहीं करनगे। जदों असी आपदे घर वसना शुरू कर लैंदे इन्हां लोकां नूं पता हुंदा भी इन्हां दा आपदा घर बार हैगा, इन्हां ने पहचान लिया, इह साडा सत्कार करदे ने। जिन्हां दे कोले आपदा घर बार नहीं उन्हां दा कोई भी सत्कार नहीं करदा। जिवें उह मंगण वाले आउंदे ने आपां कहिंदे भी झुग्गियां 'च बैठे ने स्टेशन 'ते दिने घर देखण आए ने कितें रात नूं लुट्टण ना आ जाण, असीं उन्हां दा भरोसा ही नहीं करदे। इस करके गुरमु प्यारियो जिवें जिवें आपां आपदे घर वसांगे सुखी हो जाएंगे, लोक भी सुखी परलोक भी सुखी। इस करके बाबा कबीर जी कहिंदे ने कबीर हर का सिमरन ज्यों करे सो सुखिया संसार। परसों आपां विचार कीती सी
ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਰਤੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇ ਪਾਸ, ਧੂੜ ਤਿੰਨਾਂ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਕਾਇਆ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਏ ਨਾਉ ਮਜੀਠ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ। ਆਓ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰ 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 ਗੁਰ ਵਾ ਗੁਰ ਗੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰ 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 ਗੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰ 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 ਵਾਹਿਗੁਰ।
सहज वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह हुण आपां देखिया भी लाइट चले गई, रुक गया सारा सिस्टम, इसी तरह गुरमुख प्यारे हो साडे शरीर दा श्वासां नाल संबंध है। ज्यों ही सुवास रुक जांदे आ इह शरीर ढह ढेरी हो जांदा है। गुरमुख प्यारिओ गुरबाणी दे विच सानूं इह समझाया गया भी जिहड़ा जीव नाम नाल टुट गया उह मनमुख है, जिहड़ा नाम दे नाल जुड़िया है सच नाल जुड़िया है उह गुरमुख है। जिवें आ दो आकार ने, इन्हां दी शरीरक वेशभूषा इक्को जी है, लेकिन सिर्फ इन्हां दे मन दा ही फर्क आ। जिहड़ा गुरमुख है उह इस नाम समाया, मनमुख इस नाम नाल टुटा होया। हुण इत्थों इस संसार दे विच विचरन दा उन्हां दे जीवन दा जमीन आसमान दा फर्क आ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਦਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਲਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮਾਈਨ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਣਾ ਪੌਣੇ ਬਾਂਦਰ ਹਾਓ ਗੋ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੋਇ ਸਮ ਕਰ ਰੱਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਓਗੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਗਨ ਦੇ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ।
इस नूं अमृत आउंदा है, ये अगन जिहड़ी है बुझ जांदी है, फिर ये हुक्म दे विच अगे चलदा है। जिसनूं महाराज कहिंदे आ लिव धात दे रहा है हुक्मी कार कमाए। हुण फिर ये की करदा है, सब तो पहलां आपदे परिवार नूं बेनती करदा भी आओ आपां रात दे विछड़े होए फिर मिले, तो आप बैठ के आपदे उस माता पिता नूं याद करिए, सुमन कराउंदा उन्हां नूं। उस तो बाद ये परिवार विचार करदा है भी किस जीव ने किहड़े काम जाना है, किहने किहड़ा करना, तो जिहड़ा कोई जीव कार्ज ते जांदा दूसरा मगर ध्यान रखदा है, इस करके वह परिवार का मैंबर एक शक्ति बन के जांदा है। फिर इन्हां नूं समझाया परिवार नूं भी देखो ये सारा संसार उहदा रूप है, तो आप किसी के नाल दुविधा नहीं करनी, जिहड़ा ये संसार का कर्म है ये साडा नहीं, ये तो सिर्फ असीं इन्हां पंजां दी वंगार करदे हां जिहनूं महाराज गुरबाणी भी समझाउंदे ने, नित दिन स रात लालच करे परमे परमाया, वंगार फिर वंगारिया सिर भार उठाया। साडा घर सुन है, जिवें आपां आइटां दे घर बनाए ने, लेकिन साडे मन दा घर आ सुन है सामने खाली खला, इत्थे सिर्फ असीं नाम दे राहीं आसन ला सकदे, दृष्ट मन कोई भी चीज़ इत्थे जा नहीं सकती। इस करके महाराज कहिंदे ने सतगुर ते पाए विचारा सुन समाध सच्चे घर बारा, नानक निर्मल नाद शब्द तुन सच रामे नाम समाएदा। दूसरा इसे सुन चो सानू स्वास दिता जांदा है, जेकर असी त्रैगुणा च वरतदे हैं इत्थे खर्च हो गया, साडे अंदर चित्रगुप्त आ वो पिक्चर तैयार कर लेंदा, साडे मन दी पट्टी ते लिखिया जांदा है, ये सुन दे विच रिकॉर्ड तैयार हो जांदा, तीन थावां ते रिकॉर्ड तैयार हुंदा। इस करके फिर जे असी जिहड़ा हुण ये गुरमुख आ इहनूं जो ही पाउण दिंदा परमात्मा वह इस नूं वरतदा नहीं, जेकर वह वरतदा भी है तो उस सच नूं देखदिया होया नाम नूं सुनदिया होया जां गुरमंत्र नूं दृढ़ करदिया होया, क्योंकि उसनूं पता मैं श्लोक दे विच विचरना है। दूसरी गल, जिहड़ा गुरमुख हुंदा है उस दा लेखा जोखा खत्म हो जांदा है, जदों गुरमुख प्यारिओ असीं शब्द विच समा जांदे सच दे सन्मुख हो जांदे, उदों ही साडा स्वासां दा हिसाब किताब खत्म हो जांदा है, जिस नूं महाराज कहिंदे ने गुरमुख जीए मरे परवान आरजा ना चीजे शब्द पहचान। जदों वह शब्द की पहचान कर लैंदा है उस तो बाद उहदी आरजा घटदी नहीं, क्योंकि वह फिर मालक दे हुक्म विच जिन्ना चिर मालक ने रखना उन्ना चिर रहेगा, जदों उहनूं हुक्म कर देगा उहने वापस चले जाणा। इस करके गुरम प्यारिओ जिस तरह भाई साहब भाई सेवा सिंह जी तरमाला इस संसार ते आए, वह गुरमुख सीगे, उन्होंने ये सारे खेड का भेद दिता, जो ही मालक का हुक्म होया वो वापस चले गए, तो जो अपनी उन्होंने विचार हुई वह कहिंदे जी हुण समा आ गया मैं वापस जाना, तो हुण तुसीं नौकरी छड्ड के फरीदकोट तो प्रचार शुरू कर लियो। इस करके गुरमुख जिहड़ा है उस मालक के हुक्म अनुसार आउंदा है ते हुक्म अनुसार चले जाता है, वो यही खेल समझाउण आउंदे भी इह देश बगाना है, उसका इत्थे किसी नाल भी लगाव नहीं हुंदा, वह त्रैगुणा तो अतीत रहिंदा है चौथे पाद च रहिंदा है, जे वह पगड़ बनाएगा तो आप फस जाएगा। इस करके गुरम प्यारिओ जिवें मगराबी है उहदी खुराक पाणी विच है, वह खुराक इकट्ठी करती है, जदों उड़दी है एक भी बूंद पानी दी नाल नहीं लैके जाती। इस तरह जिहड़े गुरमुख ने वह इस संसार दे विच विचरदे जरूर ने, लेकिन वह आपदे मन नूं मैल नहीं लगन दिंदे, मैला नहीं होण दिंदे, जे कितें मैल कोई विचार आया तो वह नाल दी नाल उहनूं साफ कर देना। ठीक है, इस करके आपां वी हुण इस तरह करना, जिवें महाराज कहिंदे भी कज्जल दी कोठड़ी है, कज्जल बहुत हल्का हुंदा है, उहदे च कोई चिट्टे कपड़े पा के वड़ गया तो जिन्ना मर्जी सावधान हो के तुरे उन्हें उपर पै ही जाना,
इस तरह महाराज कहिंदे वी इस संसार दे विच ज़्यादा तौर ते जीवां दे मन इन्हां पंजां दे वस ने। इत्थे ईरखा निंदा चुगली दुबधा चलदी है, किसी की साडा मन सुन लैंदा जां कितें हामी भी भर लैंदा वो फिर साढ़े मन नूं मैल लग जांदी। ते महाराज फिर कहिंदे की करो, कहिंदे ओड़े बस्तर काजल में भरिया बौर बौर फिर झारे, कहिंदे फिर झाड़ दिओ। झाड़न का तरीका की है? वाहिगुरु वाहिगुरु। जिस तरह तुहानूं कल भी बेनती कीती सी कि असी किसी नूं नहीं वचना, किसी नूं नहीं तोलना, आपदे आप नूं तोलना भी असी कौन, असी कित्थे खड़े, की आया साडा मन प्रेत है, जां असी मानस बन गए, जां असी देवलोक चले गए, जां असी परमानस बन गए। इस करके हुण तुहानूं मैं दसदा, तुसीं वाचो भी कित्थे है साडा मन। महाराज कहिंदे भी जदों साडा इस माया नाल मोह हुंदा है, माया कीड़ी है शरीर समझी, एक माया आप पैसे नूं समझदे ना, लेकिन माया शरीर है, इत्थों शुरू हुंदी माया दा खेल पाउण तों। महाराज कहिंदे इह शरीर सब मूल है, माया है मुढ़ आ। जदों असीं शरीर नूं आपदा समझदे फिर असीं अगे परिवार नूं आपदा, इत्थों बस माया दा खेल शुरू हो गया। उदों साडा मन प्रेत बन जांदा, माया मोह प्रेत है, काम क्रोध हंकारा ये जम की सरकार है, इन्हां उपर जम का डंड करारा। जिन्ने मर्जी तुसी स्याणे तो स्याणे आदमी देख लिओ, जिहड़े शरीर नूं आपदा समझदे ने वह जिथे भी बैठन उठणगे वह निंदा चुगली दुबदा करनगे। जिहदे नाल प्यार है वह जी उस्तत करनगे, जिहदे नाल विचार नहीं मिलते उसनू माड़ा कहणगे। ये उन्हां दे जीवन की रूपरेखा हुंदी है, ये साडे मन प्रेत बड़े की निशानी है। दूसरा है मानस, जदों असीं संगत करदे संगत विच आ के सानू भेत खुलदा है भी असी तो जोत स्वरूप है, मन साडा जोत स्वरूप है, तो असी तो आए सी आपदे माता पिता नूं मिलन वास्ते, खेल खेलन आए सी, ते असी तो उन्हूं भुल गए, सानू तो भेत ही नहीं रहा। असी ईरखा निंदा चुगली दुबधा ते लग गए, हुण दुबधा असी कर बैठे सानू सज़ा मिलेगी, निंदा चुगली असी कर बैठे साडा मूँह काला होएगा। जिसनू महाराज कहिंदे निंदा भली किसे की नाही मन मुख मुग्ध करन, मूँह काले ते ना निंदका नरके घोर पवन। फिक्का बोलिया वह सज़ा मिलेगी। फिर साडा मन नाले तो सिमन करता है, नाले पछतावा करता है, वैरागी हुंदा है, वह फिर सतो गुण वल नूं चलदा है, इतों उपर उठता है। उस दे अंदर जात सत संतोख दया निम्रता खिमा सहनशीलता आनी शुरू होंदी है, उहदी बुद्ध विवेक होंदी है, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, वह फिर विचारदा है। जिवें महाराज कहिंदे अंधे देख जीवना केते कू देना। जे हुण आपां थोड़ा जिहा लंबा सोचिए, वध तो वध 100 साल ला लो, चलो बच्चे भी ने बेच 100 साल ला लो, फिर उस तो बाद दसो, फिर तो कूच करना ही ना इतों। तो फिर आप ये विचार दे भी जिहड़ा नाल जा सकती चीज़ वह भी प्रबंध करिए, फिर रिस्क भी बड़ा है, ता ही सारे पॉलिसियां लेंदे हैं ना बीमे दियाँ, पता तो सबनों ही है, लेकिन फिर भी ध्यान माया वाले पास ही है। महाराज कहिंदे विच्चों भी पता नहीं कदों किहड़े श्वास ने आखिरी श्वास बन जाना। इस करके मैं तुहानूं अगे भी बेनती करदा जी, हुण भी करदा, जिहड़े बच्चे ने ना अपने कोले बड़ा खरा सोना है, इन्हां नूं सिमन कराओ, क्योंकि देखो इस लोक चों बच्चे भी जा रहे ने, गभरू भी जा रहे ने, बजुर्ग भी जा रहे ने, पता नहीं किहने कदों जाना है, आपो अपना समय,
जे कोई चार सवास कट्ठे किए होणगे तो उत्थे दरगाह थां मिल जाएगा, नहीं तो उत्थे किसे पुछना नहीं, सज़ा मिलेगी। इस करके आप नहीं चाहते कि अपने संगी साथियों सज़ा मिले, इन्ना क माँ प्यो का फर्ज है उन्होंने उन्होंने माता पिता के नाल जोड़िया जाए। हुण फिर की होएगा, साडा मन वैरागी होएगा भी आया तो असी लाहा लैण ते सारे सवास त्रैगुणा च खर्च करते, राणी तू आयो लाहा लैन लगा कित कफकड़े सब मुकदी चली रह, खत्म हो चलिया सारा सिस्टम। इस करके फिर की हो गया, साड़ी दूर अंदेशी होंगी है भी मित्रों इतों तो जाना ही है, फिर गंठड़ी बन के रखो। ठीक है जी, महाराज कहिंदे ने जिन्नी चलन जाणिया से क्यों करे विथार। कहिंदे जिन्हां ने समझ लिया ना भी असीं इत्थों चले जाणा है, वो इस संसार च बहुता उलझदे नहीं, नहीं तो मनमुख इत्थे खलारा खलारदा है, फस जांदा है। महाराज कहिंदे जो जो कर्म किए लालच लग तै तै आप बंधायो। फरीदकोट प्लाट लुधियाने चंडीगढ़ बन लो जिते जिते बनना आपदे आप नूं। इस करके गुरम प्यारिओ माया दे विच सुख नहीं, उलझना। जिन्ना मर्जी कारोबार वधा लो उन्ना ही उलझोगे। मेरा एक दोस्त है, वह खेती करता है, डेयरी फार्म बहुत तगड़ा उन्हां दा, कंबाइन है, आड़त है। हुण कहिंदा मैं सेला लाउणा, तो मैं कहा फिर ये सेला तेरी वजेगा, की करेगा, किहड़े वेले रब दा नाम जपेगा, मैनूं इह दस। इस करके संसार का कर्म असी इस गल नूं मन च वसाईए, साडा कम नहीं गा। सानू उन्ना चिर करना पैना है जिन्ना चिर असी बंदी खाने चों आजाद नहीं हुंदे। जिहड़ा रात आपां समझे ना बंदी खाने बारे, जिन्ना चिर आपां बंदी खाने चों आजाद नहीं हुंदे उन्ना चिर सानू खेती नौकरी दिहाड़ी बिजनेस करना ही पएगा, क्योंकि उन्ना चिर साडे कोल नाम नहीं हैगा, तो नाम तो बिना साडा भरम नहीं जाना। ठीक है, तो लोगों ने सानू मेहने मारने लगी है, चंगा भला सी नौकरी छड बैठा, खेती छड बैठा, दुकानदारी छड बैठा, आ की हो गया। इस तरह जिहड़े भगत सी ना, भगत रविदास जी या जिहड़े भी बाबा कबीर जी, उन्हां चिर काम करते रहे, जदों मालक नूं मिले उन्होंने फिर काम छड्या, फिर वह प्रचार ते हो गए। ठीक है, इस करके गुरमुख प्यारिओ ये हुण ये समझो भी आपां कैदी हैं ते अपने तो कम कराया जा रहा, इस गल नूं ध्यान च रखो। असीं जेकर खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, नाम ते सच नाल असीं नहीं जुड़े, फिर असीं कैदी हैं ते ये पंजे साथों कम करा रहे ने, ते इन्हां दी दित्ती हुई दिहाड़ी साडे नाल नहीं जा सकदी। ये दिंदे ने सानूं दृष्टमान धन, वो साडे नाल नहीं जांदा। उत्थे उत्थे जाना जिन्हों महाराज कहिंदे ने कि साथ ना चाले बिन भजन बिखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना नानक ए धन सार। आपां हुण दोने कमाइयां करनियां, संसार दा भी करी चलो नाला भी करी चलो। ते जदों साडे प्यो ने सानू बुला लिया भी चलो ठीक है पुत, हुण तुसीं इस पासे आ जाओ, मैं तुहानू आपदी फौज भर्ती कर लैंदा। जिवें कि कई जीव नौकरी करते हैं, उन्होंने उर्दू वड्डी नौकरी मिले, वो छड्ड के उहदे च भर्ती हो जाते होंगे ना। इस तरह महाराज कहिंदे भी खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। ठीक है जी, इस करके जी फिर उस फौज की वो आप ही पालना करता, जिवें संसार की फौज की सरकार पालना करती है, मुलाजमान की आपदा पेंशन दिंदी है, मैडिकल भत्ते दिंदी, की कुछ करती। इस तरह फिर वो अकाल पुरख आप ही सारी वो परवरिश करता है। इस करके जिवें तुहानू बाबा कबीर जी की गल सुनाई सी ना, भी लोग उन्हूं पहलां तां झेड़ां करदे सी, ते मुड़ के जदों वो मालक नूं मिले, उन्हां दी शोभा हो गई, इलाके च संगत आउण लग पई, ते दसवंध दे के जांदी संगत, कोई बाबा जी नूं कीमती वस्त्र दे जांदा, कोई कीमती हाथी दे जांदा, कोई कुछ कोई कुछ। तो वह जोड़े लोग से हम बाबा जी भी उन्होंने पंगे लेंदे से थोड़े जे, उन्होंने जो सताते वो भी झेडा करते चाचे ताया आपदू, तो वह कहते तू तो वेला है, तेनू तो लोग दे जाते, तेनू आदि गल्ला।
वो कहिंदा भी तुहानू क्यों नहीं देके जांदे, तुसीं भी ले लो। समझ गए कारण की सी भी उन्हां नूं दिसदा नहीं सी भी किहदे किहदी फौज भर्ती होया। बाबा कबीर कहो कबीर जन भए खालसे प्रेम भगत जय जानी। बाबा कबीर उस अकाल पुरख की फौज भर्ती हो गया, खालसा बन गया, तो उहदा पालन पोषण फिर वो मालक ने आप करना, जिहदे हिरदे च वसदा उहनूं जिहड़ी चीज़ चाहीदी दे जांदा। ठीक है जी, इस करके गुरमुख प्यारिओ यह सहज मार गया, इहनूं आपां समझना नाल इस खेल नूं समझना जिहड़ा पंजे जने सानूं खड़ाउंदे ने। सब तो पहला महाराज कहिंदे कि यह मनो भी हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, किसी का बुरा ना चित च रखो, भावें तुहाडा दुश्मन भी क्यों नहीं बनिया बैठा, पर का बुरा ना रखियो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मी, तुहानू नहीं कोई दुख होएगा। फिर महाराज कहिंदे ने कि नानक नीवा जो चले लगे न ताती। वाह, ठीक है। इस करके जिहड़ा गुरमुख है वह जदों कोई ऐसा समा आउंदा लिफ जांदा, मनमुख लिफदा नहीं, वह आकड़ नहीं छड़दा ते आपदा नुकसान करा लैंदा। इस तरह दो दरख्त ने, एक मनमुख है एक गुरमुख है। गुरमुख लिफ जांदा, मनमुख लिफदा नहीं, वह टुट जांदा। ठीक है, हनेरियां सदा नहीं चलदियां, माड़ा टाइम सदा नहीं चलता, कुछ समय वास्ते हुंदा है। इस करके गुरमुख प्यारिओ हुण आपां वह धन इकट्ठा करना नाल नाल जिन्हें साढ़े नाल जाना। समझ गए जी, पकड़ च आ गई गल जी मैं समझानी चाहना। मैं ये समझा चाहना है, ये ना समझो भी भाई साहब सानू संसार के काम तो रोकते हैं। मैं तुहानू संसार के काम तो नहीं रोकता, मैं सिर्फ तुहानू ये दसदा भी जिहड़ा तुसीं संसार का कर्म कर रहे हो ये तुसीं रतन दे रहे हो तो कौडियां लै रहे हो। ठीक है, एक अपना स्वास जिहड़ा है वो देखो मुल लेना हो किन्नी कीमत है, सारे संसार की जायदाद दो कि तो एक भी श्वास मुल नहीं मिलता, तो आप की दो चार लख दस भी दे देंगे महीने का भनोर क्यों, भावें दिन का भी दे दें फिर की, तो आप किन्ने श्वास खर्च किए। ता करके महाराज कहिंदे भी असी दुखी असी इस गल नूं समझ नहीं रहे। जेकर असी रतना दे वपारी बन जाइए ना, जिन्हों महाराज कहिंदे ने ए वपार विरला वपारे नानक ताके सद बलिहारे, ते वपार सौखा है जी बस। वाह गुरु, नहीं भी बोलन जी करदा सोती नाल। वाह गुरु, हाँ दूसरी गल जदों आपां नाम नाल जुड़ गए सच नूं मिले फिर साडी इच्छा है असीं संसार दा कर्म भी कर सकते। जिन्हों महाराज कहिंदे भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा, परवान गणी सही जन आए सफल तना के काम। लेकिन हुण जिहड़े त्रै गुणा विच ने जीव चारे उन्हां दे मन नूं भरम है, वह ये प्रचार कर रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती की है, तो खेती उत्तम किता तो आपां नूं करनी चाहिए। हुण इहदे ते कोई शंका नहीं भी खेती है तो उत्तम किता, लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज ने हुण खेती या नौकरी या दिहाड़ी या बिजनेस बंदा जवानी च ही करता नहीं, हाँ जी जवानी च करता, उदों तां उन्होंने उदासियां कीतियां ने, प्रचार करन गए दूर दुराडे तक, संदेशा दे के आए कितों तक। ठीक है जी, खेती उन्हें कीती ते सानू भी करनी सिखाई। केड़ी खेती कीती, महाराज कहिंदे नाम खेती बीजो भाई मीत, सौदा करो गुर सेवो नीत। इस करके आपां सिमरन करना है ये सौदा साडा रोज़ दी रोज़, जिवें जिवें तुसीं करोगे महाराज कृपा नाल सुखी हुंदे जाओगे। इस करके जी बैठ जो पै जो बह जो घरे जिवें तुहानूं सूत लगदा, स्वास तो ध्यान पासे ना जान दिओ, बस ये रतन ने तुहाडे इन्ना कीमती स्वास है। रुकण दी डेर उहो घर वाले जिहड़े कहिंदे असीं तुहाडे बिना बचदे नहीं, उन्हां ही लांबू ला देना, देखो किसे नहीं रखना। तां करके महाराज कहिंदे ने जब लग तेल दिए मुख बाती, तब सीजे सब कोए, तेल जले बाती ठहरानी, सोना मंदिर रे बौरे तो एक घरी ना रखे कोई, किसे नहीं रखना। कां की मात पिता को कां को, कमन पुरख की जोई, कट फूटे कोई बात न पूछे, काढ़ो काढ़ो होई।
देरी बैठी माता रोवे, खटिया लेके भाई लड़ छटकाए तरिया रोवे, हंस अकेला जाई। इस करके जो अपने बच्चे सिमरन करनगे ना जी, इन्हों की दूर अंदेशी हो जाएगी। अज तो बच्चा बुढ़ापे तक सोचेगा, यह है गुरु का मंत्र, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध ते अपनी सेवा करनगे कि साडा माँ प्यो इन्होंने सानू सांभिया आ ज्ञान दिता ते नाल नाल आपां इन्हां ये दृढ़ करवाउणा है भी तुसीं अकाल पुरख के बच्चे हो, सिर्फ साढ़े तुसीं संजोगी हो, स्वास तुहानू वो दिंदा, साडे कोल स्वास है नहीं तुहानू देण नू, जे उन्हें सानू स्वास दिता ते तां तुसीं साडे जरिए इस संसार दे विच आए हो, जे ना दिंदा तां नहीं आ सकदे सी। परसों मैनू किसी ने गल सुनाई, एक भैन सी उन्हूं बच्चा होने वाला सी, दो चार दिन ही रहिंदे सी डाक्टर दे मुताबक, तो बेचारी देह छड़ गई, बच्चा भी छड़ गया। आपां तां ही आ सकते ना जे साडी मां नूं उन्हें साह दिता, आपां तां ही आए ना। जिन्हों मारे कहिंदे ने कि आपे करता कर कर देखे दिन दा सास ग्राहा है, तो आ देखो सामने हैगा अपना प्यो, दूर तो है ही नहीं, बस इन देख देख के भवन नाम ही दिसे वाहगुरु वाहगुरु करी चलो। जिमें जिमें तुसी गुरमंत्र जपोगे तुहानू दिसेगा परमात्मा, ना दा मतलब ही नहीं। महाराज कहिंदे ने कि साहब मेरा सदा है दिसे शब्द कमाई। जे कोई कहिंदा ना परमात्मा नहीं हुंदा, उन्हूं कह सरदार जी आ जा फिर संगत कर सिमरन कर तो तेनू दिसेगा, ना दा मतलब ही नहीं, समझ गए। इस करके जिमें जिमें आप अभ्यास करांगे सुखी होंदे जावांगे। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ कल कलेश तन। दूसरी गल, साडा भी फर्ज है कि असीं आपदे माँ प्यो नूं सपोर्ट करिए, असीं आपदे माँ प्यो नूं हुण दृष्टमान कम्मां तों फ्री करिए भी तुसीं हुण आ धन इकट्ठा करो, तुसीं आपदा अग्गा सवारो, उन्हां नूं संजोग करिए, सुविधा बना के दईए असीं जिस बहाने नाल वो नाम जपते रहन। इस तरह आपां बच्चों वास्ते बनाउणी है ते माँ बाप वास्ते बनाउणी, क्योंकि माँ बाप का साडे ते बहुत वड्डा स्थान है इस संसार दे विच, ठीक है। आपां नूं तुरना पहनना खाना पीना नहाउणा धोना सब कुछ सिखाया, पढ़ाया लिखाया की कुछ किया, ठीक है। आप भुखे रहने पर आपां नूं भुखे नहीं रहन दिता, ठीक है। ये असीं तां विचारांगे जेकर साडे बच्चे सिमरन करनगे, नहीं तो कहणगे ये तो तुसीं करना ही सी, बस इन्ने च कम नबेड़ देणगे, क्योंकि उन्हां दी मत ही नहीं कम करदी। जिवें जिवें सिमरन करनगे तुसीं देखियो घर स्वर्ग बनता जाएगा। वध तो वध बच्चों नूं पढ़ाओ लिखाओ पर नाल गुरमत जरूरी है, ठीक है जी। बच्चा माँ प्यो का हुक्म मनना सीखे फिर बच्चे सहज आ जाती है। तुसीं देखिया करो कि बच्चा जा रहा तां तुसीं रोक तो पुत रुक जा नहीं जाना, जे तो आखे लगता तो समझो उहदे च सहज है, जे नहीं लगता नहीं मैं जाना फिर नहीं सहज, फिर तो मतलब माँ प्यो के वचन में तरजीह नहीं दे रहा, वो आपकी मत को वरतना शुरू कर रहा है। ये ता ही होएगा जो आप इकट्ठे सिमरन करांगे बच्चों का, तो माँ प्यो का प्यार पै जाएगा, नहीं तो यह काल बच्चों होर विचार दे दिंदा अंदरों कि तुसीं माँ प्यो तो पासे चंगे हो, माँ प्यो नूं होर दे दिंदा तो वह खलारा पा दिंदा सारा। इस करके जे साडे घरां च गुरमत होएगी, चाहे साडा बच्चा परदेस होए चाहे साडे तो दूर होवे, फिर साडा प्यार बनिया रहेगा। तुहाडे चरणां च बेनती है जी, ईरखा निंदिया चुगली तो बच के रहना जी। हुण समां हो गया जी, इन्हें विचार करदे होए कोई ऐसा शब्द बोलिया गया होवे संगत ते गुरु बख्शन योग है, दास तुहाडा बच्चा है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।